हेलो एवरीवन आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इकोनॉमिक्स एजुकेशन में आज इस सेशन के थ्रू हम लर्न करेंगे एक नया नॉलेज एक नया टॉपिक तो हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहे और कवर करते रहे इकोनॉमिक्स की लर्निंग बेसिक से लेके एक्सपर्टाइज तक छोटे छुट छोटे वीडियोस के थ्रू तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जब भी हम नए नॉलेज नए टॉपिक को डिस्कस करें आप उनसे अपडेटेड रहें तो आज इस सेशन के थ्रू हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जो कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है वो है मॉनिटरी पॉलिसी क्या होता है मॉनेटरी पॉलिसी इनको हम अंडरस्टैंड करेंगे और उसके बाद वर्ड्स के साथ को लिंक करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी जो आ, होती है वो एक मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी होती है मैक्रो इकोनॉमिक क्या होता है हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि माइक्रो क्या है और मैक्रो क्या है अगर आपने उस सेशन को नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है आपका वैल्यू एडिशन होगा उन छोटे वीडियोज को जरूर कवर करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स हम लार्ज स्केल में अंडरस्टैंड करते हैं ये जो पॉलिसी होती है जो पॉलिसी uh, आप uh, समझ सकते हैं जो डिसीजन मेकिंग होती है ये जो है मनी सप्लाई हमारी जो इकोनॉमी में मनी सप्लाई मनी सप्लाई क्या होती है आपने सप्लाई भी समझा हुआ है कि सप्लाई क्या होता है ठीक है ऑफर ऑफर फॉर रोटेशन ठीक है तो ये मनी सप्लाई से रिलेटेड या इंटरेस्ट रेट क्या रहना चाहिए या डिमांड साइड इकोनॉमी में जो मनी की डिमांड है डिमांड साइड जो कि सरकार हमारी गवर्नमेंट यूज़ करती है माइक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए उसके लिए बनती है ये मॉनेटरी पॉलिसी लाइक इन्फ्लेशन कैसा रहना चाहिए डिफ्लेशन रहना चाहिए कंजप्शन क्या रहनी चाहिए लिक्विडिटी कितनी रहनी चाहिए ऐसे कई क्वेश्चंस का आंसर करती है ये मॉनेटरी पॉलिसी अगर हम भारत की बात करें इंडिया की बात करें तो मॉनेटरी पॉलिसी जो है मैनेज करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ठीक है ये डिसाइड करता है कि कितनी क्वांटिटी ऑफ जो मनी है हमारी ठीक है वो फ्लो करनी चाहिए कब कितनी मनी फ्लो करनी चाहिए कब कितनी मनी रुकी रहनी चाहिए ठीक है डिफरेंट सेक्टर्स हैं हमारे उनको मीट आउट करने के लिए इकोनॉमी में कैसे ग्रोथ को मैनेज करना है आरबीआई फिक्स करेगी मॉनिटरी पॉलिसी आरबीआई जो इम्प्लीमेंट करती है मॉनिटरी पॉलिसी को वो कई तरीकों से करती है उनको हम डिटेल में फ्यूचर सेशन में कवर करेंगे लेकिन मैं आउटलाइट करना चाहूंगी चाहे बैंक रेट के थ्रू हो क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी के थ्रू हो रिजर्व सिस्टम के थ्रू हो इन्हीं कई तरीकों से बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट के थ्रू जो आर है वो मॉनेटरी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करती है ठीक है इन इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू वो चेंजेस लाती है इंटरेस्ट रेट क्या होना चाहिए या इकोनॉमी में मनी सप्लाई क्या होनी चाहिए तो दो तरीके के नेचर्स की मनी सप्लाई हमको देखने को मिलती है मॉनेटरी पॉलिसी जो है दो तरीके की नेचर से दिखती है एक होती है हमारी एक्सपेंशनरी दूसरी होती है कॉन्ट्रैक्शनरी तो एक्सपेंशनरी का आप मतलब हैं एक्सपेंड करना बढ़ना एक्सपेंड करना यानी बहुत चीजें बढ़ जाना तो जब आर बी आई ये चाहे कि मार्केट में स्पेंडिंग ज्यादा हो पैसे ज्यादा हो तो वो ऐसे चीजों में चेंजेस लाएगी ताकि मॉनिट्री यानी मनी का जो फ्लो है वो एक्सपेंड करे ठीक है मनी सप्लाई को इंक्रीज करना चाहेगी ठीक है तो उस मनी सप्लाई को इंक्रीस करने के लिए वो कई सारे स्टेप ले सकते हैं यानी कि वो टैक्स रेट को रिड्यूस करे या टैक्सेस को रिड्यूस करे इंटरेस्ट रेट को भी घटा सकती है और ऐसे कई स्टेप ले सकते हैं ताकि वो मार्केट में मनी की सप्लाई को एक्सपेंड कर सके बढ़ा सके ठीक है तो कंबैट किसको करेगा ये किसको मीट आउट कर रहा है रिसेशन को मीट आउट कर रहा है ताकि मनी फ्लो जो है बढ़ जाए हमारी सोसाइटी में हमारी इकोनॉमी में कॉन्ट्रेक्शन उसका अपोजिट है यानी कॉन्ट्रैक्ट करना यानी सुकुड़ना यानी रोक लगाना कम करना कि पैसे जो है कम करने हम उसको कॉन्ट्रैक्ट करें ठीक है इसको ये किसको कम्बैट करता है ये कम्बैट करता है आपका इन्फ्लेशन को ठीक है तो आरबीआई जो है मनी सप्लाई जब इन इंक्रीज करना चाहे या उसको करने के लिए वो जो है रिड्यूस करती है इंटरेस्ट रेट या टैक्सेस को तो उसको हम बोलते हैं एक्सपेंशनरी पॉलिसी और अगर इसका रिवर्स हो जाए यानी कि मनी सप्लाई घटाना चाहे और घटाने के लिए क्या करेगी इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगी है ना तो वो हो जाती है हमारी कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनिटरी पॉलिसी हम इनको और डिटेल में एक सेपरेट सेशन में जो डिस्कस करेंगे एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी जो हमने डिस्कस किया है आपको कि अगर जो आरबीआई है वो ये चाहती है कि इकोनॉमी काफी ग्रो करे और उसमें वो लिक्विडिटी लेना चाहती है लिक्विडिटी यानी कि बहुत ज्यादा पैसों का फ्लो होना चाहिए ठीक है लिक्विडिटी मेंटेन करना चाहती है तो वो डिपेंड करता है मॉनिटरी पॉलिसी पे कि आर क्या मॉनिटरी पॉलिसी प्लान कर रही है ठीक है तो किस हिसाब से वो मॉनिटरी पॉलिसी डिसाइड करे तो इसी वजह से ये जो आर है वो इंट्रोड्यूस करती है सिस्टम पे और इंटरेस्ट रेट में चेंजेस लाती है कि हमारी इकोनॉमी में पैसे कैसे रोटेट हों और इसी वजह से हमें कई बार बैंक के इंटरेस्ट रेट्स में डिफरेंसेस नज़र आता है हमें प्रोडक्ट्स के रेट्स में डिफरेंसेस नज़र आता है तो मॉनेटरी पॉलिसी के वर्ड्स को समझते हैं इट इज द माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी यानी जो हमारी मेन इकोनॉमी को इम्पैक्ट करती में क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इट इन्वॉल्व मैनेजमेंट ये मैनेज करता है मनी सप्लाई को ठीक है मनी सप्लाई साइड को ये देख रहा है ठीक है एंड इंटरेस्ट रेट ठीक है सप्लाई साइड को देखता है मनी के और इंटरेस्ट रेट को और क्या मैनेज कर एंड इज द डिमांड साइड इकोनॉमिक पॉलिसी डिमांड साइड की इकोनॉमिक पॉलिसी को भी देखता है जो कि सरकार यूज कर दी है यूज बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री टू अचीव मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव भाई सरकार को भी कुछ मैक्रो ऑब्जेक्टिव चीजें पूर्ण करनी होती है तो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी की मदद से एक तो मैनेज करता है मनी सप्लाई दूसरा मैनेज करता है इंटरेस्ट रेट और तीसरा मैनेज करता है डिमांड साइड ऑफ द इकोनॉमिक पॉलिसी जो कि सरकार यूज करती है टू मीट इट्स माइक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव लाइक इन्फ्लेशन, कंजन ग्रोथ एंड लिक्विडिटी सो आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट है मॉनिटरी पॉलिसी का ये क्लियर हो चुका हो हर स्टूडेंट्स के लिए हर मेंबर्स के लिए इकोनॉमी में जितने भी लोग हैं सबके लिए इम्पॉर्टेंट है म, जो इकोनॉमिक्स की नॉलेज है हर किसी को गेन होनी चाहिए अगर आपको लगता है कि आपका इससे पॉइंट वन भी वैल्यू एडिशन हुआ हो या आपको इससे कुछ जानने या सीखने को मिला हो तो प्लीज़ आप लाइक इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगे अपने फैमिली फ्रेंड्स और हर किसी के साथ इसको शेयर करेंगे कमेंट सेक्शन में कनेक्ट करेंगे आप इसे डॉट्स के साथ हमारे साथ डिस्कस करेंगे ताकि ये जो कॉन्सेप्ट आपको कमांड हो जाए और इसी तरीके से हम लर्न करेंगे इकोनॉमिक्स के छोटे छोटे टॉपिक्स को डिफरेंट वीडियोस के थ्रू कवर करेंगे बेसिक से लेके एक्सपर्टाइज नॉलेज तक हमारे साथ ऐसे जुड़े रहें मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ टिल देन टेक केयर बाय